हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि नोटिस निकला था पर आपका स्टेट मेरिट लिस्ट सेकेंड राउंड का आपको आने वाला 17 तारीख को। तो आज 17 तारीख, तो दोपहर तक आपका शाम तक तो नहीं आ पाया, बहुत लेट हुआ। स्टार्टिंग से ही लेट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोगों का रात में आया इस बार। तो 17 तारीख को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है सेकेंड राउंड का। तो जो भी नया नया एप्लीकेंट सब थे उसमें, इसमें भी सब इसमें जुड़ गए होंगे और बहुत सारा थोड़ा बहुत डिफरेंस मिला है। तो आप लोगों को इसमें दिखाएंगे कितना डिफरेंस है फर्स्ट राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट, सेकेंड राउंड का स्टेट मेरिट लिस्ट। और बहुत बच्चों लोगों को डाउट था कि भैया कैसे, मतलब काउंसलिंग इसमें करेंगे, कितना फीस लगेगा और मतलब हम लोग का अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। तो बहुत जन को डाउट था सेकेंड काउंसलिंग के रिलेटेड, तो उसको भी डाउट क्लियर करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट क्लियर करेंगे। और बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसमें दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। पहले से ही आपका 120 जन टोटल है, आपका 100-120 जन टोटल पहले जुड़ा हुआ उसमें, तो भी कुछ डिस्कस होता है तो लोग उसको पता चलता है। तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें आप लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं आपका सेकंड मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड का। तो आपका सेकंड राउंड का फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं चेंजेस कितना हुआ। जैसे बहुत बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं अभी भी कि भैया मेरा मतलब कि थोड़ा पीछे हो गया रैंक, तो क्या हमको सीट मिल पाया कि नहीं मिल पाएगा, 36 रैंक पीछे हो गया। जैसे किसी का 1000 रैंक था तो उसका 1036 हो गया है, ठीक है। तो बहुत बच्चे लोगों को डाउट हो रहा था, तो पूछ रहे थे कि भैया मतलब सीट पीछे हो गया लेकिन तभी मिल पाएगा नहीं। तो इसीलिए हम उसको आपको तुम आपको बताते सबको कि मतलब कितना रैंक में आपको मिल पाएगा, आपको सीट कैसे मिलेगा। तो पहले आपको बताते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है। देखिए फर्स्ट राउंड का भी इसमें हम खोल के रखे हैं, तो आपका टॉप 50 दिखाते हैं। तो आपको देखिए टॉप 50 में आपका अंकित कुमार, इसका 50 CML था, ठीक है। तो सेकंड राउंड में इसका सेकंड राउंड में देखिए कितना बढ़ गया, इसका 54 हो गया। तो मतलब टॉप 50 में 4 एप्लीकेंट न्यू आए हैं, जो भी सेकंड राउंड में जो भी फिर से भरने का जब मौका मिला था आप लोगों को, तो टॉप 50 में 4 बच्चे लोग फिर से इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट राउंड का आपको टॉप 100 का दिखाते हैं। देखिए तो टॉप 100 में आपका महिका बनवाल का है आपका 100, और इसमें आपका दिखाइए सेकंड राउंड में आपका दिखाते हैं इसका ये 106 हो गया। तो टॉप 100 में फिर 2 और बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे करके 6 मतलब टॉप 100 में सिर्फ 6 बच्चा लोग न्यू जुड़ गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बच्चा लोगों का सीएमएल थोड़ा पीछे हो गया, तो लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में थोड़ा सीट जाता है, क्योंकि देखिए पहले लोग बच्चा लोग सब एडमिशन तो ले लिया है, और जो एडमिशन अगर नहीं लिया होगा तो पक्का है कि वो लोगों को जोसा में मिल चुका है और लोग NIT से एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए लोग सेकंड में नहीं भरा है। तो लोग फर्स्ट राउंड को सेकंड राउंड नहीं भरा है, तो लोगों का पक्का है कि सीट खाली होगा ही होगा। तो सीट खाली होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं रहा है कि अगर आपका 30-32 रैंक पीछे हो गया तो आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, पहले बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सीट मिल सकता है। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, 400 रुपये आपको पार्टिसिपेट करने का मिलेगा। आपको हम बताते हैं आगे थोड़ा कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोगों को सीट मिल सकता है, ठीक है। बाकी सेकंड राउंड का भी काउंसलिंग आपको बता ही दिए, कट ऑफ वीडियो भी डाल चुके हैं, तो उसमें भी आपको जाकर देख सकते हैं कितना कट ऑफ जाता है पिछले बार का सेकंड राउंड का और इस बार कितना कट ऑफ है, तो सब भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर आपको देखिए आपको टॉप 550 पिछले बार का फर्स्ट राउंड का आपका टॉप 500 में कितना आपको दिखाते हैं ये में टॉप 500 का देखिए, टॉप 500 में मुकेश गोप का आपका था 500 में, आप उसका CML था 500, ठीक है। तो इसको बता दिखाते हैं आपका इसमें इस बार कितना चेंजेस हुआ, टॉप 500 में कितना बच्चा लोग इंक्लूड हुआ है। तो देखिए इसका फिर टॉप 515 हो गया, मतलब इसका ये 514 मतलब टोटल 14 बच्चा CML मतलब 514 बना है CML मतलब 14 बच्चा लोग न्यू इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो न्यू बच्चा इंक्लूड हो गया 14, तो मतलब कि 14 मतलब 100 तक में आपका 6 बच्चा था और फिर ये इधर में 400 में आपका 14 बच्चा इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो मतलब 14 बच्चा न्यू एप्लीकेंट हुआ। फिर आपका टॉप 1000 में दिखाते हैं आपका टॉप 1000 कितना CML मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज ही हुआ। देखिए फिर इसका तनिष्का जसवाल का CML था उसका 1000 CML था, ठीक है। फिर आपका सेकंड राउंड में देखिए सेकंड राउंड में कितना CML बना है, सेकंड राउंड आपको लेके चलते हैं सेकंड राउंड का काउंसलिंग के लिए। इसमें देखिए 1036 CML बना है, ठीक है। तो इतना देखिए 36 बच्चों लोग मतलब टॉप 1000 में 36 बच्चों लोग न्यू एप्लीकेंट हो गया है। तो लोगों को फिक्स है कि लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला होगा कहीं जोसा, इसलिए लोग सेकंड राउंड में भरा, तो 36 बच्चों लोग न्यू इंक्लूड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिसका 1000 रैंक तो उसका 1036 हुआ तो सीट अगर नहीं मिलेगा, अगर सीट बचा रहेगा फर्स्ट राउंड में सीट बहुत जन छोड़ता है तो सेकंड राउंड में ज़्यादातर डिफर करता है। मतलब मान के चलिए कि मतलब 30-40 ये सीट का डिफर होता ही है। अगर जब पिछला बार का अगर फर्स्ट राउंड का मतलब मान के चलिए कि
आईटीए कट ऑफ अगर 100 तक गया है तो सेकंड राउंड में 150 तक जाता ही जाता है, कि पिछला बार भी गया है और ऐसे हर साल का ऐसे चलता है तो जाता है। इसलिए आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितना, मतलब आपको अगर सीट पीछे हो गया, रैंक पीछे हो गया तो आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, ऐसा आप लोग डाउट मत रखिए। बहुत जन मैसेज कर रहा था कि भैया मेरा सीट में पीछे, मेरा रैंक पीछे हो गया है तो क्या तुम्हें सीट मिल पाया कि नहीं मिल पाएगा, तो लोग बहुत परेशान हो गया है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को अगर सीट रहेगा तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सेकंड राउंड में डिफर करता ही करता है, ठीक है, क्योंकि नया एप्लीकेंट का मौका मिलता है। तो बहुत बच्चों का डॉक्यूमेंट का चलते नहीं अप्लाई कर पाते हैं, बहुत जन नहीं अप्लाई कर पाते हैं, इसे चलते कुछ ना कुछ दिक्कत से तो लोग नहीं भर पाए थे, इसलिए सेकंड राउंड में लोग फिर से मौका मिला और फिर से लोग भर लिए, ठीक है। तो फिर आप लोग का उसके बाद आपको पता है कि 18 तारीख से आपका, मतलब कल से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा सीट अलॉटमेंट का। तो जो भी नया बच्चा लोग थे वो लोग भी, और जो अभी जो न्यू एप्लीकेंट है वो लोग भी, सब कुछ सबके लिए आप लोगों के लिए फिर से सेकंड चांस है आप लोगों को मिला है। आप लोग इसमें रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर जो भी कर लिए हैं तो रजिस्टर कर इसमें कर लीजिएगा, अपना रजिस्टर नंबर डालिएगा, आप लोगों को इसमें लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद उसमें चॉइस फील, अगर आपको लगता है कि मतलब मेरे को सीट नहीं मिला, अगर नीचे वाला सीट मेरे को मिल जाएगा तो वो वाला ब्रांच आप अपग्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ब्रांच शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं कहाँ पे करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा, सिंपल आप साइट जाइएगा इसका, साइट आपको पता ही होगा नेम क्या है, JCCB साइट लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जाके, देखिए यहाँ पे क्लियर ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग एडमिशन जो फोन नंबर पे इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाके देखिए, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, अगर आपका पहले से आपका आप ये रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब न्यू पहले से जो मतलब फर्स्ट राउंड में जो भी जो एप्लीकेंट थे रजिस्टर कर लिए, तो यहाँ पे साइन इन करके वो जाके वहाँ पे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई एडिशनल ब्रांच ऐड कर सकते हैं तो वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन रहता है। पहले आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, आपको पहले पार्टिसिपेशन फी लगेगा, आपको पहले ही बताया है कि 400 आपको पार्टिसिपेशन फी लगता है सेकंड राउंड का काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे जाके आप लोग का ये 400 पे कीजिएगा, फिर आप लोगों को ऑप्शन आएगा कि ब्रांच अगर आपको हटाना है, अगर आपको पहले से मिल चुका है, जैसे आपको ईसी मिल चुका है, ठीक है, तो आपको नीचे तक भी हटा सकते हैं क्योंकि आपको CSIT EC तक ही चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट CSIT EC तक भर सकते हैं क्योंकि CSIT EC तक मिल गया आप लोगों को। और आप लोगों को अगर लगता है फर्स्ट राउंड में आपको अगर सीट नहीं मिला है, अगर आप मैकेनिकल ही तक भर हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, और मैकेनिकल के बाद सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग सब टोटल भर सकते हैं। तो आपको अगर सेकंड राउंड में अगर वहाँ तक सीट मिला तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग एक गलती मत कीजिएगा कि सेकंड राउंड में भी आप लोग ये तीन या चार ही ब्रांच भरिएगा। आप लोग पूरा ब्रांच भर लीजिए कि प्रेफरेंस वाइज भर दीजिए, प्रेफरेंस भरने के बाद अगर आपका उस हिसाब से रैंक रहेगा तो आप लोगों को सीट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब क्योंकि बहुत बच्चे लोग गलती किया था पहला बार कि तीन चार ही ब्रांच भरा तो लोगों को लगा था कि 3-4 ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता रहे कि मतलब टोटल 10 ब्रांच है, टोटल 10 ब्रांच आपको प्रेफरेंस वाइज भर दीजिए, ठीक है। अगर आपका अच्छा रैंक मिलेगा तो आपको टॉप ब्रांच मिलेगा ही, और आपका जितना रैंक के हिसाब से तो आपको मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि मतलब टोटल 5 ही ब्रांच भरे, नीचे का नहीं भरे, तो इससे दिक्कत हो जाएगा, आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से अगर आपको सीट कन्फर्म चाहिए तो आप लोग टोटल भर लीजिएगा, बाकी आपका इसी रैंक के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग वहाँ पे स्लाइड अप डाउन कर सकते हैं, अगर आपको प्रेफरेंस जो भी भरना है अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हैं, जब जो भी आपको ब्रांच चाहिए तो आप अप डाउन कर सकते हैं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को बता दिए। फिर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कल आपके लिए एक कट ऑफ वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि पिछला बार का कंपेयर करेंगे 2021 का कितना फर्स्ट राउंड है, कितना कट ऑफ गया था, कितना CML के हिसाब से, और 2022 में कितना CML के हिसाब से कितना गया, और उसमें बताएंगे आपको कि सेकंड राउंड में भी कितना जा सकता है, कितना डिफर कर सकता है। तो आप लोगों को सेकंड राउंड में जब आप लोग एप्लीकेंट, आप लोग जब सीट अलॉटमेंट के लिए भरेंगे तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको इतना CML तक गया है, जितना मतलब डिफर हुआ है जितना, तो आपको उतना में सीट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो बहुत बच्चों लोगों को डाउट था, तो ये भी आप लोग क्लियर कर दें, कल हम से वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब आने वाला है, स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आने वाला है, और कॉलेज को हॉस्टल अलॉटमेंट के समय वीडियो आने वाला है, अभी थर्ड राउंड भी होगा, तो बहुत सारा वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।